ये जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, मैं चाहता हूं कि मेरी वॉइस रिकॉर्ड की जो है स्पेशलिस्ट द्वारा जांच कराई जाए कि क्या मैंने गालियां दी हैं। ऐसा तो नहीं कि ये राजनीतिक विद्वेष बस जो है मुझे फंसाने की कोशिश और मेरी गरिमा को गिराने की कोशिश की जा रही है। और प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि इसकी जांच कराएं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इससे कि क्या मैंने इनको गालियां दी हैं। यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आजमगढ़ कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष पर कोतवाली में दर्ज फर और लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से निराधार और गलत है। प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई। आजमगढ़ शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने के मामले में कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने दी सफाई, कहा मुझे फंसाया जा रहा। गौरतलब है कि शहर कोतवाली में फोन पर अधिवक्ता व कॉलेज प्रबंधक को गाली देने व जानमाल की धमकी पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष नजम शमीम पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के जालंधरी मोहल्ले में स्थित मदरसा इस्लामिया जमीयतुल कुरैश के प्रबंधक गुलाम रसूल कुरैशी निवासी मोहल्ला तकिया का आरोप है कि बीते 16 जनवरी को वह अपने संस्थान द्वारा संचालित मिनी आईटीआई का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जब उन्होंने आईटीआई संस्थान में शिक्षकों व कर्मचारियों का उपस्थिति रजिस्टर की मांग किया तो वहां मौजूद मुख्य अनुदेशिका सूफिया बानो ने भला बुरा कहते हुए उपस्थिति रजिस्टर देने से इनकार कर दिया। इस मामले को प्रबंधक गुलाम रसूल ने अपने अधिवक्ता बजरंग मिश्रा से अवगत कराया। इस बात की जानकारी होने पर मुख्य अनुदेशिका सूफिया बानो के पुत्र व कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष नजम शमीम ने संस्थान प्रबंधक व उनके अधिवक्ता को फोन पर गाली गलौज करते हुए दोनों को जानमाल की धमकी दी। रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी के बाद कांग्रेस शहर अध्यक्ष नजम शमीम ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल गलत, निराधार, बेबुनियाद है। बल्कि उनकी मां को प्रबंधक व अन्य ने गाली दिया था, जिसकी जानकारी होने पर उन्होंने फोन पर इस बात की जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उल्टा उनकी राजनीतिक छवि को खराब करने की नीयत से झूठा एफआईआर दर्ज कराया गया। उन्होंने आलाधिकारियों से मांग किया है कि इस प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। मैं मोहम्मद नजम शमीम, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। क्या मामला है सर, ये वॉइस ओवर वायरल हो रहा है? ये कल मुझे संज्ञान में आया कुछ चैनलों द्वारा कि मेरे खिलाफ एफआईआर की गई है। उसमें कहा जा रहा है कि मैंने एक अधिवक्ता और मैनेजर को जो है धमकी दी है। अगर मेरे वॉइस रिकॉर्डर में या कुछ इस तरह का उनके पास है तो उसको जारी करें और दिखाएं कि क्या मैंने उनको गालियां दी हैं। ये मामला ये है कि 16 जनवरी को हमारी माताजी मुख्य अनुदेशिका हैं कुरैश जूनियर हाई स्कूल में, कुरैश मदरसा कुरैशिया में, तो वो अपना शिक्षण कार्य कर रही थी तो वहाँ का मैनेजमेंट जो है भंग चल रहा था। वहाँ कचहरीबाजी हो रही थी, उनमें मुकदमा चल रहे थे। तो वहाँ पे एक बैग दो तीन लोग आते हैं जिसमें बजरंग मिश्रा नाम का आदमी है, सिविल ड्रेस में रहता है, और मैनेजर और उसके साथ इरफान करके कोई है वो आता है, और नीचे से भेजा जाता है कि चपरासी को कि जाइए मैडम को बुला के लाइए। मेरी माँ ऊपर पढ़ाती रहती हैं और वो जब आती हैं चपरासी बोलता है चलिए प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। तो चपरासी ने जो है उनको वो चपरासी की आवाज़ सुन के वो नीचे आती हैं तो पहले से बैठे हुए ये तीन महानुभाव जो है प्रिंसिपल ऑफिस में, जो कि प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल की कुर्सी पे बजरंग मिश्रा बैठा था, और वो लगा भद्दी भद्दी गालियां देने, अपशब्द बोलने, और कहने लगा कि होश में आ जाओ नहीं तो तुमको सही कर दिया जाएगा। उसके बाद मेरी माँ ने जो है उससे कहा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो उसने कहा तुम जानती नहीं हो हम लोग आ गए हैं। तो ये बातें हमें कहीं से पता चली किसी के द्वारा, तो मैंने बजरंग मिश्रा को फ़ोन किया और मैंने पूछा कि उसने तुमने जो है मेरी माँ को क्यों गालियाँ दी हैं। तो वो बोल रहा है कि तुम क्या करोगे हैं। फिर उसके बाद जो है मैं यही सब पूछता रहा, उसके बाद फ़ोन कट गया। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप कोतवाली में तहरीर दीजिए, तो उसी टाइम 16 तारीख को कोतवाली में तहरीर दी गई।
जिसका अभी तक कंप्लायंस शहर कोतवाल द्वारा नहीं किया गया है। इसकी सूचना एसपी महोदय को भी मेरी माताजी ने जाके दिया है और उन्होंने कार्रवाई करने को कहा है। ये जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, मैं चाहता हूं कि मेरी वाइस रिकॉर्ड की जो है स्पेशलिस्ट द्वारा जांच कराई जाए कि क्या मैंने गालियां दी हैं। ऐसा तो नहीं कि ये राजनीतिक विद्वेष बस जो है मुझे फंसाने की कोशिश और मेरी गरिमा को गिराने की कोशिश की जा रही है। और प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि इसकी जांच कराएं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इससे कि क्या मैंने इनको गालियां दी हैं। मैं सुफिया बानो, मदरसा इस्लामिया जामतुल कुरैश जालंधरी आजमगढ़ में मुख्य अन्वेषिका के पद पे कार्यरत हूँ। आज किस संबंध में लेके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, क्या मामला? मामला ये है कि मेरे यहाँ पर मिनी आईटीआई चलता है, मदरसा चलता है, मैं इनकी कुरीतियों का विरोध करती हूँ। प्रबंधक के ये घटना, मैं कंप्यूटर अपने अनुभाग में थी, कंप्यूटर टेक्नीशियन को कंप्यूटर दिखा रही थी, उसी समय नीचे से कर्मचारी फिरोज़ अहमद आया, बोला कि आपको प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया है। मैं आदेशों का पालन करते हुए मैं तुरंत चली गई। मैं जब वहाँ पे गई तो मैंने देखा कि मंजर कुछ अलग है। अलग का मकसद ये था कि प्रिंसिपल की कुर्सी पे बाहरी आदमी सिविल ड्रेस में बैठा हुआ है, उसके दाहिने मिसकात बैठे हुए हैं जिनको गुलाम रसूल भी कहते हैं, उनके बाद प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, उसके बाद आरिफ बैठे हुए हैं, उसके बाद सैफुद्दीन बैठे हुए हैं और दरवाजे के करीब इरफान कुरैशी बैठे हुए हैं। स्पेशली मेरे लिए कुर्सी पर कहा गया बैठ जाओ। मैं बैठी तो कुर्सी पर बैठा हुआ प्रिंसिपल की कुर्सी से बैठा हुआ आदमी बजरंग मिश्रा, जो पेशे से वकील है, कहने लगा कि आप मुझे तो पहचान गई होंगी, जान ही रही होंगी। मैंने कहा जी, कहा आपका आतंक बहुत हो गया, सुधर जाइए, हम लोग आपको सुधारने के लिए आ गए हैं। तो मैंने कहा पूछने का मतलब, तो उसने जवाब दिया कि मैं जो पूछ रहा हूँ वो जवाब दीजिए। मैंने कहा ये तो प्रिंसिपल की कुर्सी है, तो कह रहा कि आप जवाब दीजिए। इतना पूछना था मेरा कि वो लोग आपा खो बैठे और एक आवाज़ में सैकड़ों गालियां देने लगे। मैंने अपने को असुरक्षित महसूस किया, मैं कैंपस में बाहर निकली कि अध्यापकगण मेरा साथ देंगे। कोई अध्यापकगण इस आतंक आदमियों के सामने साथ नहीं दिए। और एक टीचर ने मान सम्मान बचाते हुए सीढ़ी के पास आकर के कहा कि आप सब करो, गाली ना दो। उनको धक्का देते हुए ऊपर आ गए और आने के बाद मेरे कमरे में मेरे दोनों कर्मचारी से एक को उलझा लिया मिसकात ने, दूसरे को उलझा लिया बजरंग ने, ताला तोड़ो, कागजात निकालो, निलंबन करो, रजिस्टर लाओ। और जबरन मेरे लिपिक को कैश के मोबाइल से फ़ोन लगा करके कहा गया तत्काल आप आइए, जबकि ये उस दिन की छुट्टी पर थे। उसके बाद जब SDM महोदय की गाड़ी की आवाज़ सुना तो ये लोग फौरन भाग निकले। मैंने आप बीती तत्काल SDM महोदय को बताया, उसके बाद अपने कार्यालय के लिपिक को सूचना दी। मैं कोतवाली गई, पुलिस चौकी गई, तमाम दौड़ी। तीन दिन से मुझे विनय दुबे सर कहते रहे कि आपकी फर्जी FIR कर लूँ, विपक्ष की भी आई हुई। तो मैंने कहा सर कुछ तो कीजिए, कुछ तो सहारा दीजिए, मैं स्कूल में आऊँगा, विवेचना करूँगा। लेकिन वो आए नहीं। परसों फर्जी FIR दर्ज कर ली गई है जिसमें मेरे बच्चे का कोई रोल नहीं, सम्मानित व्यक्तियों से पूछा जा सकता है, अड़ोस पड़ोस के बाहरी लोगों ने मेरे बच्चों को फ़ोन किया, मेरी कॉल डिटेल भी उस दिन की चेक कर ली जाए, कोई भी चेक कर सकता है। क्योंकि मैंने इसलिए नहीं फ़ोन किया था कि बच्चा है, माँ की गाली सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बाहरी लोग उसके साथ आए और वो लोग कहते हैं कौन है, कौन है, कौन है, उन लोगों ने गाली बक्की, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे बच्चे की आवाज़ फॉरेंसिक जाँच करा ली जाए। ये मेरे वजह से मेरे बच्चे को, छवि को, चूँकि वो एक राजनीति है, छात्र नेता भी, उसको ख़राब करने के लिए ये लोग, उन्होंने FIR फर्जी कराया, आज सारे पेपरों में निकलवा दिया। क्या चाहती है आप? और ये देखिए प्रबंधक की मिली भगत, प्रबंधक की मिली भगत 16 तारीख से, जबकि 16 तारीख को प्रिंसिपल से ये पूछा जाए कि क्या 16 तारीख से पहले आपने नोटिस घुमाया था कि प्रबंधक आ गए, औचक निरीक्षण कैसा, आप लोग अभी तत्काल जाकर रजिस्टर देखिए, कोई निरीक्षण नहीं।
मैं अपने यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हूँ, मेरे अंडर में 5 लोग हैं, रजिस्टर मेरे पास रहना चाहिए कि कार्यालय में ये शोषण किया जा रहा। उस दिन से देखिए लेटर, ये देखिए प्रिंसिपल फर्जी लेटर कि औचक निरीक्षण, तो क्या आपको सूचना पहले प्रबंधक की मिल चुकी थी? यदि मिल चुकी थी तो बताया क्यों नहीं गया? ये प्रबंधक ने मिल करके जान मारने का हमला करवाया है, साजिशन करवाया गया। अभी मैं आ रही थी रास्ते में, बजरंग मिश्रा जो पेशे से वकील हैं, आरिफ मिस्कात, मुझको डी बाबा के स्थान पर रोक करके कहने लगे तुम कप्तान से मिलोगी, तुम इस काबिल नहीं छोड़ेंगे, तुम कप्तान से मिलोगी। 156 का केस करके तुम्हें कचहरी दौड़ा के मार डालूंगा, मैं अधिवक्ता हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि DM महोदय, SP महोदय, कमिश्नर महोदय, IG महोदय, DIG महोदय, महिला आयोग, मेरा विभाग इस बात को संज्ञान में ले, क्योंकि एक महिला राष्ट्र निर्माता भी होती है। मैं एक शिक्षक हूँ, ट्रेनर हूँ, मैं बच्चों को शिक्षा देती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ, मैं इनकी गलत नीतियों कुरीतियों का विरोध करती हूँ। इस विरोध को दबाने के लिए ये अपनी लोगों के सगे सामने और अनपढ़ जो मानक पूर्ण नहीं करते उनकी नियुक्तियाँ की गई है, अगर प्रैक्टिकल ले लिया जाए तो पता चल जाएगा। मैं इस चीज़ को उजागर करती हूँ, ये लोग बच्चों को नहीं पढ़ाते, मैं इस चीज़ को उजागर करती हूँ। मिड डे मील में खाना नहीं पकवाते, उसकी भी मेरे पास प्रूफ है। सारे 2007 से लेकर 22 तक के इनकी कुरीतियों के प्रूफ मेरे पास है। इसलिए आवाज़ दबाने के लिए अब ये मुझे जान से मारना चाहते हैं और मेरे बच्चों को इसलिए इन्वॉल्व कर रहे हैं कि माँ की चीज़ों को सुनकर कोई भी बच्चा होगा, पागल का भी औलाद होगा, तो वो ज़रूर उत्तेजित हो जाएगा। उसको उकसाया जा रहा है कि तुम इन्वॉल्व हो ताकि फौजदारी का केस बने और अधिवक्ता 156 का केस करके, क्योंकि बजरंग मिश्रा आप तहरीर के दर्ज नहीं की गई। मैं 16 तारीख से कोतवाली से लेके पहाड़पुर चौकी तक दौड़ रही हूँ। मुझे मुंशी कहता है वहाँ का कोतवाली का कि तुमसे पहले वो लोग आके देख गए तुम झूठी हो, सब पता लग गया। ये 1:10 16/1/22 की घटना है और तत्काल अभी की भी घटना है। मैं 9:50 पे घर से निकली थी, आरती रास्ते की ये बात है, तब मैंने आज आप लोग को आमंत्रित किया है तत्काल में कि मेरी भी आवाज़ उठाइए, मेरे बच्चों को गलत फंसाया जा रहा। मैं शिक्षिका हूँ, मैं राष्ट्र निर्माता हूँ, शिक्षक का रोल एक राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षक का रोल एक बच्चे को बेसिक शिक्षा देकर उच्च तक पहुँचाना होता है। मैं कौम के लिए काम कर रही हूँ। यहाँ पे नियुक्तियाँ अगर खंगाला जाए तो 5 नियुक्तियाँ 19 से बच्चों को फर्जी फंसाया गया है 100%। आप सम्मानित जनों से मोहल्ले में पूछ ली, कभी मेरे 2 बच्चे हैं, कभी मेरे बच्चे कैंपस में नहीं आते हैं। फंसाया गया उसे, उसे ये फंसाया गया है कि उसने गाली बक्की है, जबकि अधिवक्ता को दिखाया मिसकाते, जबकि मेरे बच्चे का वीडियो मेरे पास मौजूद है। जब उसको मेरा भी नंबर चेक कर लिया जाए और बाहर के लोगों ने फोन किया और वो बच्चा आया है तो बाहर के आपका लड़का स्कूल में आया था? नहीं, वो बाहर से जब SDM महोदय को मैंने आप बीती बता दिया, अपने क्लर्क को कार्यालय लिपिक को बता दिया, उसके बाद मोहल्ले के लोग इन लोग को भागते देख करके बच्चे को फोन किया। मेरा बच्चा जब आया तो उसे मोहल्ले के लोग साथ में आए कि कौन है, अब आके उसको गाली दो। मेरे बच्चों की फोरेंसिक जांच करा लिया, मेरे पास वीडियो मौजूद है, मेरे बच्चा गाली नहीं था। मेरा बच्चा असभ्य नहीं है, मैं असभ्य समाज की नहीं हूँ। मेरा बाप भी 1972 की जंग में गया था, मैं उसकी बेटी हूँ। ये सिर्फ भ्रष्टाचार को दबाने के लिए दबंगों को ला के मेरी जान पर हमला करवा रहे कि इस महिला को दबा दो। मैं एक महासचिव भी हूँ, समाज सेवी भी हूँ, ताकि यहाँ के अध्यापक में इतनी हिम्मत नहीं है प्रबंधक में कि बोल देगा, क्योंकि बजरंग मिश्रा का काम है कमेटी बनाना और बिगाड़ना। तो ये उनके वकील अधिवक्ता का फायदा उठाते हुए ये आते हैं। मेरे पास भी कुर्सी की फोटो है, एक प्रशासनिक कुर्सी का गलत दुरुपयोग किया गया।